चलिए क्लास नाइन्थ चैप्टर टू पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल्स। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ में, अब यही जो चैप्टर है चैप्टर टू क्लास टेंथ में, उसका भी नाम क्या है, पॉलीनोमियल। तो पॉलीनोमियल यार पहले समझते हैं क्या, ठीक है, फिर उसके टाइप्स देखेंगे धीरे धीरे, एक एक करके सारी चीज़ समझेंगे। देखो जहाँ कहीं वेरिएबल दिख जाए आपको, जहाँ कहीं भी, उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे सपोज किसी ने लिख दिया 2x² 1/x + 1/y की पावर -2, वेरिएबल दिख गया ना, एक्स वाई जेड कुछ भी, ये सब वेरिएबल। तो अगर कोई आपसे पूछे यार ये क्या है, अभी आपको नहीं पता कि पॉलीनोमियल क्या होता है, कुछ नहीं पता आपको, तो आप कहते हैं ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का एक मेथड, मतलब ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है ना, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर। उस स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलीनोमियल नाम दे दिया जाता है। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक बात समझते हैं, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, मतलब ये पॉइंट्स में नहीं होते। पहली बात तो अगर कोई आपसे पूछे भैया 1.2 क्या ये होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। कोई आपसे पूछे 1/2 क्या होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है। ये कुछ ये होल नंबर नहीं होते। याद रख लो, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर, ये ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा डेसिमल फॉर्म में नहीं आते हैं, नॉर्मल्स होते हैं ये, ठीक है, पक्की बात है जी। चलिए अच्छा, तो पावर, वेरिएबल की जो पावर, अब देखो यहाँ वेरिएबल की पावर क्या, 2, यहाँ वेरिएबल की पावर -2, तो -2 तो होल नंबर है नहीं। और ये x जो ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर +2, तो +2 होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल होल नंबर है। 2 होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल होल नंबर है, लेकिन -1 तो होल नंबर नहीं है। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलीनोमियल नहीं है, पक्की बात है। जैसे आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा कि भैया बताइए ये 2 की पावर -4x² + y, बताओ क्या ये पॉलीनोमियल है, तो चेक करते हैं। तो कोई बच्चा देखेगा सर 2 की पावर -4, पावर माइनस में हो गई, जबकि आपने कहा कि होल नंबर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो सर ये नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये 2 तो कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट की पावर नहीं देखेंगे, हम केवल पावर देखेंगे किसकी, वेरिएबल की। तो x की पावर क्या, +2 होल नंबर है, बिल्कुल सही। y की पावर क्या है, 1 होल नंबर है, हाँ जी बिल्कुल। तो क्या ये पॉलीनोमियल है, बिल्कुल है, क्लियर है। अगर कहीं पे ये लिखा है √x + y² + t², अब आप कैसे कहेंगे, अब भैया ये स्क्वायर रूट है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, स्क्वायर रूट जब भी हटता है पावर क्या आती है, 1/2। तो x की पावर क्या, 1/2, क्या 1/2 होल नंबर है, नहीं है, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। अब ये मत कहना कि सर y की पावर 2 है, t की पावर 2 है, 2 तो होल नंबर है, सही बात है। एक भी अगर पावर ऐसी आ गई जो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलीनोमियल पूरा नहीं होता है, क्या चमका। तो क्या आप लोग ये चेक कर सकते कौन सा पॉलीनोमियल है कौन सा नहीं है, जैसे 1/x + x, अब आप सोचेंगे कि x की पावर तो 1 है, ऐसे नहीं, पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, x की पावर -1 + x, तो x की पावर क्या होगी, -1, क्या -1 होल नंबर है, नहीं है, तो हमारा पॉलीनोमियल नहीं होगा। अगर कहीं पर हमारे पास लिखा है √2x + y + z, क्या ये होल नंबर होगा, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि √2 आ गया, सर ने कहा था रूट। अरे मेरे भाई, हम पावर देखेंगे वेरिएबल्स की, किसकी देखेंगे, तो x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, ये सब होल नंबर है, तो ये पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, पॉलीनोमियल होते हैं। और अगर कोई आपसे पूछे कि सर ये पॉलीनोमियल नहीं है, फिर ये है क्या, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पक्की बात है। चलिए अब पॉलीनोमियल के जल्दी से टाइप्स देखते हैं, ठीक है जी। और एक चीज रफली बता दूं आपको, रफली अभी आगे भी खैर करेंगे, x² + x + 1, क्या ये हमारा पॉलीनोमियल है, देखते हैं। x की पावर 2, 2 होल नंबर, x की पावर
वन होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। और अगर इक्वल्स टू में कुछ भी लिख दिया, सपोज मैंने 4 लिख दिया, तो अब ये इक्वेशन हो गई, अब ये पॉलिनोमियल नहीं बचा, जिसमें LHS RHS दोनों होते हैं। देखो ये LHS और ये RHS, तो ये क्या हो गई इक्वेशन, तो ये क्या हो गई ये, और अगर ये नहीं है तो पॉलिनोमियल। चमका पक्की बात है जी, चलिए तो अब देखो पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड किया गया है, जब कैसे, अकॉर्डिंग टू डिग्री और अकॉर्डिंग टू टर्म्स। देखते अच्छा, एक ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री वन होती है। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री समझते हैं, डिग्री जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम पावर। पावर को एक और नाम बोलते हैं एक्सपोनेंट, जिसमें मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 4 y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस x, अगर कोई आपसे पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो आप हर टर्म की अलग अलग पावर बताइए। इसकी पावर कितनी है 4, इसकी पावर 2, इसकी 2, इसकी 1, तो इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है 4, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 4। जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। क्या चमका पक्की बात है, ठीक है। तो चलिए अब कहते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, जिसकी केवल 1 डिग्री होती है, जिसकी क्या होती है 1 डिग्री, उसका नाम क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसका नाम क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे अब इसको समझते भी हम लोग, फॉर एग्जाम्पल जिसकी डिग्री वन, देखो x प्लस वाई प्लस जेड ये पॉलिनोमियल है, देखो इसकी डिग्री, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इसकी, तो पूरे की डिग्री वन हो गई, ठीक है। अब केवल x लिख दिया, देखो इसकी पावर क्या वन है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल। अब सर इसको लीनियर इसलिए बोला गया कि अगर आप इनका ग्राफ बनाएंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी, क्या चाहूँगा, पक्की बात है, ठीक है जी। तो जिसकी डिग्री वन है उसका नाम लीनियर। अच्छा जिसकी डिग्री टू है, जिसकी डिग्री टू है तो उसका नाम क्या आता है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्वाड मींस तो 4 होता है, ऐसा दिमाग में है, क्योंकि क्वाड्रिलैटरल, क्वाड मींस 4, लैटरल मींस साइड, जिसमें 4 साइड होती है वो क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्वाड मींस 4 होता है पावर 2, नहीं, ये एक ग्रीक वर्ड है, क्वाड्रेट से मिलके बना है, किससे मिलके बना है, क्वाड्रेट का मीन होता है स्क्वायर, ग्रीक में क्या मीनिंग होता है इसका, स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब जिसकी पावर 2 होती है, ठीक है। तो जिसकी पावर 2 होती है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो मैक्सिमम 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक्स वाई प्लस एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको बड़े ध्यान से समझो, सारे बच्चे लोग समझेंगे। एक्स की पावर 1, वाई की पावर, अब आप कहेंगे सर इसकी तो हर जगह वन वन है, ये टू कैसे हो गया। अब देखो ये एक टर्म है ना, एक टर्म में जितने वेरिएबल थे उनकी पावर ऐड कर दिया करो, तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर, तो इस टर्म की पावर कितनी हो गई, अब इस टर्म की पावर कितनी हो गई 1, तो मैक्सिमम क्या 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। अगर कोई आपसे पूछे एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स क्यू, इसकी पावर क्या है मैक्सिमम, तो 4 है इसकी, पता है क्यों, 2 फिर 1 प्लस 4 हो गई, मतलब जितने वेरिएबल्स का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनकी पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या चमका। तो ऐसे ही जिसकी पावर मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री 3 होती है उसका नाम क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल दें x की पावर 3 प्लस 10, इसकी देखो मैक्सिमम पावर क्या 3 है, और एक और ले लो एक्स वाई जेड, मैक्सिमम पावर 3 है इसकी, पक्की बात है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनाते हैं ना उसका ग्राफ हमेशा कर्व आता है, क्या आता है, कर्व, कर्व मतलब ऐसा, सीधी लाइन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं एक्सिस का, वो आगे की बात है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो सीधी लाइन नहीं, या तो ऐसा जाएगा या फिर ऐसा कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, कर्व, और इस कर्व का स्पेशल नाम होता है पैराबोला। कौन बोला,
पक्की बात है जी, ये क्लास टेंथ में पढ़ेंगे, मतलब मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हाँ क्लास टेंथ में जब आप पैराबोला सुनेंगे ना तो आपको लगे हाँ यार नाइन्थ में हम पढ़ के आए थे। तो क्या है, एक बार फिर से बड़े प्यार से समझा दूँ कि जिसकी डिग्री 2 है उसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे जिसका ग्राफ बनेगा वो कर्व, उस कर्व का स्पेशल नाम क्या है, पैराबोला। ठीक है, बोला बोला ठीक है, चलो छोड़ो, पक्की बात है जी। क्योंकि ऐसे ही जिसकी पावर 4 है क्वाड्रेट कहते हैं, जिसकी पावर 5 पेंटेनिंग कहते हैं, ये सब क्या है आपको बताया ना, ये लीनियर क्वाड पेंटा हेक्सा हेप्टा ये सब आगे की बात है, आपके बुक में केवल 3 तक का दिया गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म्स तो पता है ना, जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक्स वाई जेड प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2। अब ये मत कहना कि एक्स वाई जेड अलग, नहीं, जितने वेरिएबल्स या नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है वो सब एक टर्म में माना जाता है, ठीक है। प्लस माइनस इनको सेपरेट करते हैं, क्या चमका, ठीक है जी। तो कहते हैं जिसमें वन टर्म हो केवल, क्या टर्म हो, तो उसका नाम होता है मोनोमियल्स, क्या मोनोमियल। जैसे मान लो एक्स वाई जेड, इसमें तो केवल एक टर्म है, और एक्स एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 3 या वाई स्क्वायर या एक्स की पावर 100 या 1000, ये सब क्या है, मोनोमियल्स है, एक ही तो है टर्म, क्या चमका, मोनो, मोनो मीन्स क्या होता है, एक, क्या चमका, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे कहते हैं बाइनोमियल, बाई बाई मीन्स होता है 2, नॉमियल मीन्स होता है क्या, टर्म्स, जिसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है। तो आपने इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग होते ना, बहुत से बच्चे लोग इससे बोलते हैं बायोलॉजी, वो गलत बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी, बायोलॉजी, बाई मीन्स क्या होता है, 2, ऑलॉजी मीन्स होता है स्टडी करना चाहिए, मतलब 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना यहाँ पे इंग्लिश में 1, 2, 3, 4, हिंदी में भी पढ़ते हैं इकलम दुगलम तिया तिलक्का चौका गड़का फूल कमल का आठ के किया नौ के आड़े 10 फटकारे, गाँव में पढ़ते थे ना यार, तो ऐसे ग्रीक में पढ़ाया जाता है, मोनो बाई ट्राई क्वाड पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा गीगा चैप्टा झेप्टा जो भी कुछ है, ये सब पढ़ाए जाते हैं। तो ग्रीक लोगों ने ज़्यादा रिसर्च किया था, इसीलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया है। जैसे न्यूटन ने लॉ बनाया, वो न्यूटन से लॉ दे दिया, अगर अपने यहाँ का कोई मान लो राम प्यारे होते साइंटिस्ट, उनका नाम राम प्यारेज लॉज, राम कलीज लॉज होते ना, ये क्या दूंगा, क्यों पक्की बात है, चलो देखो, अच्छा ठीक है। जिसमें 2 टर्म्स होते उसका नाम कहते हैं बाइनोमियल्स, जैसे x प्लस वाई कितने टर्म्स हो गए, पक्की बात है, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल्स हो गया। ऐसे कई एग्जांपल हैं बेटा, बात नहीं कर पे ना, ये पसंद नहीं है, x की पावर 100 प्लस 2 कितने टर्म्स हो गए, 2 बाइनोमियल्स। और जिसके 3 टर्म्स होते उसका नाम क्या होता है, ट्राइनोमियल, जिसके 4 होते उसका नाम क्या था, बाइक्वाड, नहीं बाइक्वाड, हाँ हो गया। तो ऐसे ही चलते रहते, क्वाड पेंटा हेक्सा हेप्टा चलते रहते, क्या चमका, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, पक्की बात है, कौन है ये, ठीक है। तो समझ गया ना, जिसमें 3 टर्म होते उसे क्या बोलेंगे, ट्राई, ठीक है। ऐसे ही इसमें जिसकी डिग्री 4 होती थी उसे क्या बोलते थे, बाइक्वाड्रेटिक। केवल आप इतना ही याद कर लो, ये आगे तो उसके सीरीज की बात है। तो एक चीज़ और जान लो बस, इसमें सारे बच्चे बड़े ध्यान से एक चीज और जान लें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे, समझना बात को ध्यान से, एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्या है, 2, ठीक है। कोई आपसे 2, 3, -1, 4 या -6 या 100, अगर कभी भी कोई आपसे किसी कांस्टेंट की डिग्री पूछे या पावर पूछे, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। इन सबको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉली। तो हमेशा ध्यान रखना, कांस्टेंट पॉलीनोमियल की जो पावर होती है वो क्या होती है, 0। लेकिन 0 पॉलीनोमियल, 0 पॉलीनोमियल, 0 पॉलीनोमियल की जो पावर होती है वो होती नॉट डिफाइन, क्या होती है वो, ये याद रख लेना। देखो कांस्टेंट पॉलीनोमियल में 0 नहीं लिया जाता, 0 को एक अलग नाम दे दिया गया, 0 पॉलीनोमियल। कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनके साथ वेरिएबल नहीं होते हैं, जैसे 2, 3, 1, -2, -3, -1 करोड़, -10 लाख, +10 लाख करोड़, up to 100, जो भी कुछ है, केवल 0 को छोड़ के। 0 की जो पावर होती है वो होती नॉट डिफाइन, या 0 की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन। और कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0।
क्योंकि इनमें वेरिएबल नहीं ना, और पावर किसकी होती है, वेरिएबल की, वेरिएबल है नहीं तो इसकी पावर क्या हो गई, जीरो। क्या चमका, अब एक नया टर्म और जान ली कि सर कोफिशियंट क्या होता है, कोफी, ये आपको मैं 2.1 का इंट्रो पार्ट दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल भी करा दूंगा। सर कोफिशियंट क्या होता है, जैसे सपोज किसी ने आपसे पूछा कि -2x² + 4x + 3, प्लीज बात नहीं करिए, कोई याद होता कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताओ, एक्स स्क्वायर का जिसका कोफिशियंट पूछा जाए उसको हाइड कर लो, एक्स स्क्वायर को हाइड कर लो, क्या चमका, -2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट -2। अगर कोई आपसे पूछे एक्स का कोफिशियंट बताओ तो एक्स को हाइड कर लो, क्या +4। अगर कोई आपसे पूछे वाई का कोफिशियंट, क्या वाई यहाँ पे है, तो जीरो, नहीं है तो जीरो। क्या चमका, तो ये कोफिशियंट की बात हो, क्या चमका। तो ये 2.1 का सारा मैंने आपको इंट्रो पार्ट बता दिया, पूरा पॉलीनोमियल का जो इंट्रो था वो मैंने आपको सारा बता दिया, क्लियर है जी। चलो लिख लो इसको, अब